अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर है अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम लोग करेंगे कि डेसिमल वैल्यूज़ के साथ, जो डेसिमल पॉइंट के होते हुए हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है मल्टीप्लाई देम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 15.1 मल्टीप्लाई बाय 13। हम यह क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिफ्टीन पॉइंट वन को हमने मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। आप फर्स्ट करें कि आपके पास ये पॉइंट है ही नहीं, अभी आपकी नॉर्मल डिवीजन है जिसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 1 3, 3 5 15, 15 5 इधर, 1 4 कैरी। सो 3 1 3 प्लस 1 4। अब हम नीचे लगाएं क्रॉस। क्रॉस हम क्यों लगाते हैं, क्रॉस हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है वंस में, और वंस का मतलब एक। अब एक वैल्यू आ गई, हमने अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं लिखनी, इसी को जब रिपीट करना हुआ तो करेंगे, इसके नीचे कोई और वैल्यू हम नोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 1, 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 5 1 से, 1 1 ज़ 1, 5 1 ज़ 5, देन 1 1 ज़ 1। अब हम इसकी करेंगे एडिशन, मीन्स को करेंगे प्लस। अब जब प्लस करेंगे तो सिंपली इस क्रॉस को कंसिडर करेंगे 0, 3 में प्लस 0 किया तो 3 का 3, 5 1 6, 4 5 9, एंड 1 का 1। ये हमारी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब जो कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे था पॉइंट, हम लोग ने किया, हमने रेस कर दिया था, हमने पॉइंट वापस लगाया। अब आपने इसे सॉल्व कैसे करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने डिजिट हैं। 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है। जब पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने नीचे यहाँ जो सॉल्यूशन होगा उसमें वंस की प्लेस से उतनी वैल्यू स्किप करके छोड़ के पॉइंट लगाना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आपने यहाँ पे 1 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देना। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद डेसिमल वैल्यू, मीन्स डेसिमल वैल्यू के साथ द पॉइंट हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सेम ऐसे ही है। जस्ट अपने पॉइंट को देखना है कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने नीचे सॉल्यूशन में उसके ऐड कर देने हैं पॉइंट वैल्यू स्किप करके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगी हूँ बी पार्ट, वो है 29.5 देन 47। अब मैं इसका पॉइंट रिमूव नहीं कर रही। ओके जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7 5 ज़ 35, 5 इधर, 3 4 कैरी, देन 7 9 ज़ 63, 63 प्लस 3 66, 6 4 कैरी, 7 2 ज़ 14, 15 16 17 18 19 20 0 एंड देन 2। अगेन यहाँ पे लिखा क्रॉस। अब 4 की टर्न है, 4 5 ज़ 20, 2 कैरी, 4 9 ज़ 36, 37 38 ऐड किया तो, देन 4 2 ज़ 8 9 10 11। अब हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 में कुछ भी ऐड ना करें, 5 का 5 6 8 3 एंड देन 1। अब अगेन यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमने यहाँ 1 डिजिट के बाद लगा दिया पॉइंट। ये हमारे क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डिवीजन के साथ। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आई होप की क्लियर हो गई होगी, और डिवीजन भी इतनी मुश्किल नहीं है। हमने करना क्या है, क्वेश्चन के बारे में लिखना है। सबसे पहले लिखने का तरीका, डिवीजन के साइन के बाद की वैल्यू लिखी बाय, देन आपने क्वेश्चन जब लिखना है इसके अंदर वैल्यूज़ में गैप देने, ताकि आपसे
मिस्टेक ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके जी, यहाँ पे है 9 का टेबल, हमें 9 का टेबल पढ़ना है। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 1 आई हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको 18 टू डिजिट काउंट करेंगे। 9 के टेबल पढ़ें, 18 आए, 9 2 18। चलिए इसको माइनस किया, अब ऊपर की फॉर्म हमने नीचे नोट कर ली, क्या है वो 2। अब देखिए, अब हमारे पास है ये 2। अब हम क्या करेंगे कि 9 के टेबल में 2 तो आता नहीं, तो हम क्या करते हैं, 9 0 0 0। तो हमने ये 2 नीचे उतारा, देन 9 0 0 0, 2 अगेन वैसे ही आ गया। अब ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, हमने पॉइंट को नीचे नहीं लिखना, हमने पॉइंट को वैसे ही जैसे पॉइंट की वैल्यू जगह आएगी, टर्न आएगी, हमने पॉइंट को ऊपर ले जाना है सिंपली। देन हमारे पास के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 9। हम 9 लिखेंगे, इसको हम 2 9 या 29 कंसीडर करेंगे। अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 29 है, 9 टेबल में 29 तो आता नहीं, सो 9 3 27, इसको माइनस करें 2। अब ऊपर से नेक्स्ट टर्न अगले वैल्यू की 7, अगेन 9 3 27, रिमाइंडर कितना बचा, कुछ भी नहीं, मीन्स क्वेश्चन सॉल्व। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लिकेशन की तरह, सॉरी डिवीजन की तरह से सॉल्व करना है, जस्ट जब पॉइंट आएगा पॉइंट को आपने ऊपर ले जाना है। अभी मैं रेस कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट इसका कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट है इसका, बी पार्ट, डेट इज 6 0 9 8.94। ओके जी, अगेन यहाँ पे हमने पढ़ना है जी 6 का टेबल, तो स्टार्ट करते हैं हम 6 का टेबल पढ़ें कि 6 है, ये तो हमें आता है, 6 1 6। अब 0, अब 0 का तो कोई, 0 का हमने पहले नोट किया सिंपली ऐसे ही। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 0 आए, सो 6 0 0 0, फिनिश। नेक्स्ट टर्न 9, अगेन 6 1 6, फिनिश। माइनस किया, इसको मैं छोटा लिख रही हूँ ताकि कंप्लीट आ जाए क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट टर्न हमारी है 8 की। ओके, अब 6 का टेबल पढ़ना है कि 38 है, जो कि नहीं आता हमें, टेबल पढ़ें तो 6 6 30 6 आता है, माइनस करेंगे 2। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट, हमने पॉइंट नीचे तो लिखना नहीं, हमने पॉइंट ऊपर मेंशन कर देना यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 29, 2 और 9 मिला के हो गया 29। अब हम करेंगे 6 का टेबल पढ़ेंगे, 29 आए, सो 6 4 24। नेक्स्ट नीचे आया 5, छोटा लिखती हूँ ताकि पूरा आ जाए। अब नीचे नेक्स्ट क्या नोट किया हमने, 4, सो 54। वी नो कि 6 9 54, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सिंपली डिवीजन है, जस्ट हमारे पास जहाँ पे पॉइंट होगा हमने उस पॉइंट को ऊपर मेंशन कर देना है, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अब आप लोगों के लिए जो होम असेसमेंट है, डैट इज़ कि आपने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 2 3 और पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 6 7
सेवन एट एंड नाइन, ये आपने अपनी कॉपीज पे करना है नोटबुक पर, एंड देन उनकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है. नेक्स्ट लेक्चर में आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे. खुदा हाफिज़.